वहीं राजधानी रायपुर में जनदर्शन को लेकर उपमुख्यमंत्री अरुण साव का एक बयान सामने आया है। बता दें कि उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने अपने बयान में कहा कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान करते रहे हैं। वहीं लोगों को और सुविधा हो जिसके लिए मुख्यमंत्री निवास में जन दर्शन कार्यक्रम शुरू किया गया, वहीं जिसे कि प्रदेश के लोगों को सीधे मुख्यमंत्री से मिलकर सीधे बात कर सके। इसी क्रम में दीपक बैज के बयान पर पलटवार करते हुए डिप्टी सीएम साव ने कहा कि दीपक बैज को अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि छत्तीसगढ़ की जनता ने न केवल विधानसभा में बल्कि लोकसभा में भी उन्हें नकार दिया है। वही कांग्रेस पार्टी लेवल मीडिया वाली बयानबाजी करने में भी लगी हुई है। पिछले 6 महीने में हमने मोदी की प्रमुख गारंटी को पूरा किया है। वहीं प्रदेश के लोग राज्य सरकार से पूरी तरह से संतुष्ट हैं और खुश भी हैं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी लगातार लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान करते रहे हैं और अब और लोगों को सुविधा हो मुख्यमंत्री निवास छत्तीसगढ़ के सब लोगों के लिए उपलब्ध हो, सबकी बात सुने, सबकी समस्याओं को सुने और उसका निराकरण करें, इस दृष्टि से साप्ताहिक जनदर्शन कार्यक्रम आज से प्रारंभ हुआ है। निश्चित रूप से जो हमारे प्रदेश के लोग हैं अपनी समस्याओं को लेकर सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर अपनी बात कह सकते हैं, ये व्यवस्था उन्होंने की है। निश्चित रूप से इससे आम लोगों में सरकार के प्रति विश्वास जागेगा, उनकी समस्याओं का निदान हो सकेगा। देखिए, दीपक बैज को अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि छत्तीसगढ़ की जनता ने न केवल विधानसभा में उन्हें नकारा, लोकसभा में भी नकारा और आज ये कांग्रेस पार्टी केवल मीडियाबाजी बयानबाजी यही करने में लगी हुई है। वास्तविकता ये है कि आज जिस प्रकार से पिछले 6 महीनों में मोदी की एक एक गारंटी पूरी हुई है और हर वर्ग के जो हमारे प्रमुख वायदे थे, मोदी की गारंटी थी, वो सब पूरा किया है। प्रदेश के लोग राज्य की सरकार से पूरी तरह से संतुष्ट हैं, प्रसन्न हैं, किसान खुशहाल है, नौजवानों के सपने साकार होने लगे हैं, माताएं बहनें प्रसन्न हैं और ये सब कांग्रेस पार्टी को देखा नहीं जाता है जब लोग प्रसन्न हो, खुश हो।